दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल राज शर्मा इंदौरी को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल राज शर्मा इंदौरी को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। एसपी भारेल है और मैं बोलने नहीं देंगे आलोक। हाँ शायद यस, इट्स बेटर, थोड़ा सा लाइट रहेगा तो मुझे ठीक रहेगा। यार इसके बाद खोलने वाला नहीं हूं मैं। तो दोस्तों सुना, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाला हूं, अब वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तैयार हैं? और इस बात को सुनने के बाद शायद आपके दिल में, आपके जहन में कोई एक चिंगारी पैदा होनी चाहिए, चिंगारी। मुद्दा यह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा काम करता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। कुछ लोग पैसे की नौकरी करते हैं और कुछ लोगों के लिए पैसा नौकरी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने सपनों को जहन में दबा के अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब परिवार का मुखिया चला जाए तो उनके घर की हालत खराब हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका परिवार का मुखिया चला भी जाए तो आदमी तो चला गया लेकिन शायद उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उसमें क्या फर्क है। मेरा क्वेश्चन यह है कि दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है, हर एक आदमी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, क्या वजह है कुछ लोग अमीर बनते हैं और क्या वजह है कुछ लोग गरीब रहते हैं, क्या वजह है? मेरा क्वेश्चन यह है, व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ अर्निंग वेल्थ? दुर्भाग्य यह है कि 97% लोग दुनिया में नहीं जानते कि पैसा कैसे बनाया जाए। मैं पैसे बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेल्थ की बात कर रहा हूं, मैं आमदनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपत्ति क्रिएट करने की बात कर रहा हूं, मैं 2 जून की रोटी खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अमीर बनने की। क्या फिलॉसफी है? और एक दुर्भाग्य है दुनिया का कि अमीर बनना किसी कॉलेज और कॉलेज और इंस्टीट्यूट ये सिखाता है आलोक, आप बहुत बढ़िया जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया नौकरी कैसे ले सकते हो, बड़े बड़े विज्ञापन, 100% प्लेसमेंट गारंटी। इसका मतलब समझते हो, 100% प्लेसमेंट गारंटी का। लेकिन ये बात मैं बहुत जोर से तब से कहने लग गया हूं जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहने लगे कि क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप, आप एंटरप्रेनर बनो। वरना मुझे डर लगता था कि मैं नौकरियों को अगर मना करूंगा कि नौकरी मत करो तो इस सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि एंटरप्रेनर कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए? एक कोई कॉलेज और इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता है। अमीर कैसे बनाया जाए, कैसे बना जाए, ये पढ़ाई घरों में होती है। और इसलिए तकलीफें होती है कि जो अमीर है वो अमीर अमीर और अमीर बनता चला जाता है, और जो गरीब है बेचारा गरीब गरीब और गरीब होता चला जाता है। अमीर बाप ये सिखाता है कि तुम अमीर कैसे बनोगे और गरीब बाप ये सिखाता है कि तुम गरीब कैसे रहोगे। और ये बात रॉबर्ट कियोसाकी ने कही है पूरी दुनिया में। क्वेश्चन ये है, पैसा कैसे क्रिएट किया जाए? चलो पहले एक हम चेक करते हैं कि जो लोग अमीर बने उन्होंने क्या किया, और जो लोग गरीब हैं उस गरीब रहने का कारण क्या है, तरीका क्या है और वजह क्या है कि वो गरीब रह गए? लिमिटेशन क्या है पैसे कमाने की? कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर नौकरी में है, कोई व्यक्ति अगर छोटा सा व्यापार कर रहा है तो तकलीफ है। अगर वो 20,000 रुपए महीने कमा रहा है तो 40 कैसे करेगा भाई साहब, कैसे करेगा 40? पार्ट टाइम काम बढ़ाएगा, पत्नियों को नौकरी पे लगा देते हैं। 20,000 पति कमाता है, 20,000 पत्नी कमाती, 40,000 हो गए।
मैंने कहा चल बेटा मैं रिश्ते में तेरा अपमान होता हूं, अगर 80,000 कमानी है तो तू ही नहीं, वो दो शादी करेगा। कौन बोला, कौन बोला ये दो शादी करेगा? क्या 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 करोगे? 1,00,000 कमाना है तो फिर यही करते रह जाओगे बेटा, पैसे नहीं कमा पाओगे। मतलब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे पास दो हाथ है, इसका मतलब है कि लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ मैन पावर। 24 घंटे और आदमी अकेला है, सिर्फ दो हाथ हैं। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उसके सिर्फ दो कारण हैं कि टाइम की लिमिटेशन है और मैन पावर की लिमिटेशन है। लोग इस बात पे तो ध्यान देते नहीं है, लोग किसी और चीज पे ध्यान देते हैं। लोग बेईमानियां शुरू कर देते हैं, लोग अनइथिकल काम करना शुरू करते हैं, चोरी चकारी शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी से अमीर बनना है। लोग ऐसी फाइनेंशियल स्कीम में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वहां से जल्दी पैसा बन जाएगा। नहीं दोस्त, असली बात तो यह है कि आपकी टाइम की लिमिटेशन है और आपकी मैन पावर की लिमिटेशन है, इसके कारण हमारी अर्निंग की लिमिटेशन है। किसी भी तरीके से हमें अपने टाइम के और मैन पावर की लिमिटेशन को ब्रेक करना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सब्जी मंडी में एक आदमी टमाटर बेच रहा है, बेचारा 10 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, 50 साल से बेच रहा है, आज तक अमीर नहीं बना। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बेचता है, जिस दिन नहीं बेचता उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। अगर उसको वायरल फीवर आ जाए तो 7 दिन उसके घर में पैसे नहीं आते। वही टमाटर, वही हिंदुस्तान, वही जगह, वही भाव, रिलायंस फ्रेश में टमाटर बिक रहे हैं। अंबानी जी रिलायंस फ्रेश में टमाटर बेच रहे हैं, वही भाव है, वही रेट है, वही हिंदुस्तान है, लेकिन वो अमीर बन गए और उन्होंने कभी भी 250 ग्राम टमाटर तोला नहीं। वो घूमने वाले स्विट्जरलैंड चले जाए तो भी उनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे 1,000 रिलायंस फ्रेश पूरे हिंदुस्तान में खोल दिए और एक रिलायंस फ्रेश में अगर एक दिन में 10 किलो टमाटर बिकते हैं तो वो 10,000 किलो टमाटर उनके एक दिन में बिक रहे हैं। और एक टमाटर पे अगर उनकी 1 रुपए की भी इनकम होती है, 1 किलो पे 1 रुपए की इनकम होती है, तो इनकी इनकम का अंदाज लगाओ। क्यों, क्या किया उन्होंने? अगर 1,000 रिलायंस फ्रेश खोले, 10 घंटे वो खुलते तो 10,000 घंटे अर्न किए और एक आदमी अगर वहां बैठा है तो 2,000 मैन पावर उन्होंने अर्न की। मतलब अपने टाइम को डुप्लीकेट किया, अपनी मैन पावर को डुप्लीकेट किया तो उनकी इनकम मल्टीप्लाई हो गई। पर सब्जी मंडी में बेचने वाला टमाटर वाला ना अपने टाइम को डुप्लीकेट कर पाया ना मैन पावर को डुप्लीकेट कर पाया, और जब टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट नहीं हुई तो उसकी अर्निंग लिमिटेड रह गई। फोकस पॉइंट क्या है? मैं दीवाना उस इंडस्ट्री का सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहां टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट हो सकती है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। बाल काटने का काम छोटा है? नहीं। लेकिन एक नाई जो नीम के पेड़ के नीचे बाल काट रहा है, बेचारे अपने 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पाता। लेकिन एक ऐसा बाल काटने वाला भी है जिसे पूरे हिंदुस्तान में 1,000 सैलून खोल दिए। अगर वो यहां आ जाए तो तुम मुझे नहीं सुनोगे, तुम उससे पास जाओगे, हाय हाउ आर यू, प्लीज गिव मी अ ऑटोग्राफ, वन सेल्फी। वो बाल काटने वाला नाई है, लेकिन उसने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया तो वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। और मजे की बात तो ये है कि उसके सैलून में भी बाल काटने वाला वही आदमी है जो नीम के पेड़ के नीचे बाल काट रहा है। सवाल इस बात का नहीं है मेरे दोस्त गुप्ता जी कि आप कौन सा काम कर रहे हो, सवाल इस बात का है कि उस काम को आप किस तरीके से कर रहे हो। अगर आप अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करने का रास्ता आपके पास है तो आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और अगर इसका रास्ता आपके पास नहीं है तो खबरदार, आपने बिजनेस करने से मना किया तो करना तो चॉइस नहीं है, नहीं है चॉइस, करना पड़ेगा। अगर अमीर बनना है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता वेल्थ क्रिएट करने का, पूरी दुनिया में कोई रास्ता नहीं हो सकता, कोई चॉइस नहीं है। टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अगर कल ये चिराग बुझ गया तो क्या होगा? जाना आज रात को अपने घर पे, जिस पलंग पे आप अपनी पत्नी के साथ सो रहे हो, उठना रात को 2 बजे और 10 कदम दूर जाके अपने आप को देखना, कितना भयानक दिखता है वो दृश्य। मैं माइनस, मेरी फैमिली 0।
अगर इसका जवाब आपके पास है तो आपको इस बिजनेस को करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो खबरदार, आपने इस बिजनेस को करने से मना किया तो। जब तक हमारी एबिलिटी 100% है तो हमारी इनकम 100% है। हमारी एबिलिटी 99% हुई तो इनकम 99% नहीं होती है, जीरो होती है, क्योंकि हमने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं किया। लेकिन जो लोग, जिन अमीर लोगों ने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, वो इस धरती पर रहे या नहीं रहे, उनकी इनकम पर फर्क नहीं पड़ता। गए वो दिन जब लोग कहते थे अपन दुकान पर नहीं जाएंगे तो धंधा नहीं होगा। तू छोटा आदमी है, पूछ उनसे जो दुकान पर जाए चाहे ना जाए, बिजनेस करें या ना करें, दुनिया से चले जाए, लेकिन उनकी इनकम बढ़ती रहती है। अगर करना है तो वो बिजनेस कर, वरना करने की जरूरत नहीं है। वक्त बदल गया, आप हमें टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करना ही पड़ेगा। और वेस्टीज एक वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने मौका दिया, जिसने अवसर दिया, और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई पूरे हिंदुस्तान में। कैसे बनोगे अमीर मुझे बताओ? एक ऑर्डिनरी आदमी यहां उठ के खड़ा होता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। ये मौका कहीं और मिल सकता है, ये जगह कहीं और मिल सकती है। कोई भी आदमी, एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी, पर उसको कुछ सपने चाहिए, एक आग चाहिए, एक तूफान चाहिए, एक उसके जिगर में कुछ जुनून चाहिए, कुछ जुनून, यस, तब हो सकता है वो। 1000 एग्जाम्पल है मेरे पास इस बात के कि आप कैसे अपने टाइम को डुप्लीकेट करो। 1000 एग्जाम्पल है कैसे अपनी मैन पावर को आप डुप्लीकेट करो। सोच सकते हो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? सिर्फ एक पवित्र भावना, लोगों की जिंदगियां कैसे बदलें। मेक मनी, हैव फन एंड मेक अ डिफरेंस टू अदर्स लाइफ। लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करो, बस एक पवित्र भावना के साथ जाओ। खबरदार, आज के बाद कोई आदमी किसी को अगर प्लान दिखाने गया और इस भावना के साथ गया कि मेरे 50 पे भी बढ़ जाएंगे और 100 पे भी बढ़ जाएंगे और मैं डायरेक्टर हो जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। दोस्त, जब किसी आदमी को प्लान दिखाने जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, इसमें इतनी सद्बुद्धि देना कि मेरी बात समझ में आ जाए, और मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं अपनी बात इसे समझा सकूं। शायद उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए। हम सिर्फ एक लोगों का हुजूम क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। वेस्टीज ने चमत्कार कर दिया, वेस्टीज बेस्ट डील। अरे क्या है, लोग आटा खाएंगे, पैसा आपके घर में आएगा। आटा तो खाना पड़ेगा, सब्जी तो खानी पड़ेगी, चॉइस नहीं है। वे दिन भी डायरेक्ट सेलिंग में चले गए जब मुझे समझाना पड़ता था, भाई साहब ये आइटम ले लो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। वो कहेगा क्यों लूं? अब वो मुझसे आटे के लिए नहीं कह सकता मैं क्यों लूं, मत ले, चूल्हे में जा। मुझसे कल कोई पूछा था मैं साबुन क्यों काम में लूं, मैंने कहा मत लो, क्या जरूरत है तुम्हें? सवाल इस बात का है कि तुम्हें इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि अपने अगर सपने पूरे, मेरे घर में ना अभी शरोगी की शादी हुई तो, नहीं नहीं बहू आलोक, 2 मिनट बस, ऐसे पूछ के परमिशन ले लो तो चल जाता है काम। तो मैंने, वो बहू आई बेचारी, वो दूसरा टूथपेस्ट करती थी नेगेटिव, वो साबुन दूसरी यूज करती थी। मैं से बोली पापा मैं तो 20 साल से वो यूज कर रही हूं। मैंने कहा सुन, तू जिस मर्सिडीज में विदा होके आई है ना, वो मर्सिडीज उस टूथपेस्ट में से नहीं निकली जो तू यूज कर रही थी। वो मर्सिडीज इस डेंट स्टोर में से निकली है। अब बोल कौन सा यूज करेगी, बोल। बोलती पापा यही वाला यूज करूंगी। मैं क्यों समझाऊं हमारे पड़ोस बेहतर क्यों है, क्यों समझाऊं? जरूरत नहीं है मुझे समझाने की। सपने पूरे करने हैं पड़ोस को रिप्लेस कर दो, सपने पूरे नहीं करने हैं चूल्हे में जाओ। तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी मर्जी है। क्या समीर समझ में आ रही है बात? इससे आसान कोई बात नहीं हो सकती। करना तो
चॉइस नहीं है दोस्त। और पूछना उस व्यक्ति से जिसने आपको यहां इनवाइट किया है, मिलना उस व्यक्ति से जिसने आपको आज यहां बुलाया है, जिसने आपसे कहा है कि सिर्फ आधा घंटे की बात है, हम बैठेंगे तो बात करेंगे और शायद जिंदगी बदल जाए। वो व्यक्ति भगवान के बाद दूसरा व्यक्ति है जिसने आपके बारे में कुछ सोचा है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ सोचा है। थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं ये आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को लाल बटन दबा के, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हमारे वीडियोस आप जरूर देख सकें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अभी तक वीडियो अगर आपने देख लिया है तो लाइक करें बिना इस वीडियो को एंड मत करिएगा, और अगर पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।